नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुला है, आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटीज के लिए कैसा रह सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले बात करें अगर कैसा सीट की, तो कैसा सीट देख रहे हैं कि 6200 के ऊपर सस्टेन हो रखा है और ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है ये जो कैसे सीट 6200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी इसी तरह से रेंज में रहेगा या फिर कैसे में यहाँ से अभी गिरावट का वेट करना चाहिए और फिर अच्छी तेजी आएगी? देखिए, अभी गिरावट देखिए बाजारों में आ सकती है छुटमुट, क्योंकि लगातार तेजी के बाद आप देखिए जब कैस्टर में गिरावट आई थी उसके बाद से कैस्टर पॉजिटिव है और 6200 के ऊपर खड़ा है। और आज जरूर करेक्शन जो है मार्केट में काफी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कैस्टर जो है उसकी रेंज अभी भी वही है, 6000 से लेकर 6200-6300 के ऊपर निकलता है तो 6500 तक के स्तर संभव है कि बाजार में देखने को मिल सकते हैं। जी सर, रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं कि 3200 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, ना ज़्यादा तेजी की ओर जा रहा है ना यहाँ से ज़्यादा गिरता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है बिनौला खल में ये रेंज बाउंड कब तक और देखने को मिलती रहेगी और जो ब्रेकआउट लेवल्स होंगे वो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए कैस्टर ये कॉटन ऑयल सीड केक में जरूर ऊपरी स्तरों पर दबाव आया है और बाजार काफी करेक्ट भी हो चुके हैं। अब आज आप देख रहे हैं कि 3200 के आसपास बाजार पहुंच गया है, यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट आना चाहिए। आज देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, इसलिए हो सकता है कि बाइंग ना देखने को मिले। 3180 डाउन साइड है मैक्सिमम, वहां पर वापिस से बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सिर्फ बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि चाहे धनिया हो, जीरा हो या हल्दी हो, कल के मुकाबले आज कुछ बढ़त बनती नजर आई है। कल को हमने देखा था कि मुनाफा वसूली बनी थी, वहीं से आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो रही है धीरे धीरे। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाला कारोबारी सप्ताह मसालों के लिए कैसा रह सकता है और आज इंटरडे में मसाले कैसा कारोबार करते नजर आ सकते हैं? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मसालों में तेजी ही है और पॉजिटिव ही रुझान है। आप देखिए अभी भी वापस से गिरावट, थोड़ी बहुत करेक्शन आई भी थी और उसके बाद फिर से बाजार जो है संभलते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ से डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है सभी मसालों में, यानी कि धनिया जो है वो ऊपर में एक बार 11000 तक ऊपर जा सकता है। जीरा जो है वो मैंने पहले भी बताया जैसे 20000 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है और हल्दी भी 11000 से लेकर 12000 के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी इसी रूप जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि ग्वार का मार्ज भी 12000 के ऊपर है और ग्वार सिर्फ 6400 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है जो लाल निशान देखने को मिल रहा है ग्वार गम और ग्वार सिर में इन लेवल्स पर भी, तो क्या अगले कारोबारी सप्ताह ग्वार गम और ग्वार सिर में करेक्शन गहराएगी और मुनाफा वसूली हावी होगी या फिर यहाँ से तेजी बन जाएगी? देखिए ग्वार में यहाँ पर मुनाफा वसूली हो सकती है क्योंकि प्राइजेस काफी ऊपर आ चुके हैं, करेक्शन ड्यू है, करेक्शन बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट बाजार टूट जाए। गम का गिरावट एक्सपेक्टेड है, ये गिरावट आ सकती है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अभी भी इन लेवल्स के ऊपर हमने बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी देखी है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्शन के बाद अगेन से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल अगर बाइंग है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकला जा सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जी सर, जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायदा में भी 6400 के आसपास ही सोयाबीन है और जो हाजिर है हाजिर में भी सोयाबीन 6400-6500 पर ही बिकती नजर आ रही है। और बात करें यूएस सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन में आज 1400 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, हालांकि लाल निशान पर ही है। रूपा जी आपको क्या लगता है विदेशों में तो सोयाबीन को लेकर पॉजिटिव ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि जो भारत है खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है। हम पहले देखते थे कि जब भी विदेशों में खाद्य तेलों में गड़बड़ होती थी तब तब भारत में भी मंदी तेजी बनती नजर आती थी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या ये चुनाव की वजह से हो रहा है या फिर फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं?
देखिए फंडामेंटल तो अभी भी देखा जाए तो पॉजिटिव ही है बेस में एडिबल ऑयल पैक के। फंडामेंटली अगर हम नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं उस हिसाब से तो बेस जो खाद्य तेल है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अभी इलेक्शंस भी हैं और जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाए हैं उसका भी एक असर देखने को मिला है कि कीमतें आगे ऊपर अब नहीं बढ़ पा रही है। तो मुझे लगता है कि यहां से अभी प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है और मतलब बहुत ज्यादा गिरावट भी आप एक्सपेक्ट ना करें, अभी फिलहाल मुख्य उत्पादक राज्य है कॉटन का भारत में, उसने भी अपने कॉटन का जो उत्पादन अनुमान है उसमें कटौती की है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, गुजरात द्वारा अनुमान में कटौती किए जाना उत्पादन के और अब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI द्वारा भी कॉटन के उत्पादन अनुमान में कटौती किए जाने के बाद क्या कॉटन का बाजार यहां से और तेजी की ओर ज्यादा नजर आएगा? देखिए बिल्कुल कॉटन में तो लगातार ही पॉजिटिव मोमेंटम है और अब इस तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी और प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कीमतों के ऊपर और अभी हम देख भी रहे हैं लगातार मार्केट ऊपर सस्टेन है, बाजारों के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है और इस बार काफी अच्छे प्राइजेस मिले हैं। लेकिन आज वायदा में हल्की ऊपरी स्तरों पर गिरावट आई है लेकिन प्राइजेस में अभी भी बूस्टअप है और 38,000 तक का लेवल अभी भी एक्सपेक्टेड है कि वायदा में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सरसों में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से सरसों में बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें तो तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अराइवल आने के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए फिलहाल के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी, यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मूंगफली में तेजी कब तक आएगी, अभी रोकें या बेचें? देखिए मूंगफली को मेरे हिसाब से अब निकाल देना चाहिए, अब अच्छी थोड़ा बहुत जो प्राइसेस में उठाव आना था वो आ चुका है, यहाँ से आगे तेजी बनती हुई कम दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो टॉपिक जो है वो मुझे लगता है कि अभी मसाले काफी सेफर साइड है, मसालों में बाइंग करके चला जा सकता है और वही बिनोला कल में करेक्शन आने पर उसमें भी बाइंग की जा सकती है। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आने वाला कारोबारी सप्ताह किन कृषि फसलों के लिए बेहतर रह सकता है? आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आने वाला कारोबारी सप्ताह किन कृषि फसलों के लिए अच्छा रह सकता है और आने वाले कारोबारी सप्ताह में किन कृषि फसलों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? क्योंकि मसालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, मसालों के साथ साथ कॉटन में भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले कारोबारी सप्ताह में मसालों में और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है और दूसरा उन्होंने कॉटन के बारे में बताया, कपास के बारे में बताया कि कपास में भी अगले कारोबारी सप्ताह अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये था छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट MCV पर।